हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और करवा चौथ की रेसिपी, जो कि है फैनियों की रेसिपी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे ये फैनियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। दिल्ली में तो करवा चौथ के टाइम ये फैनियाँ जरूर मिलती हैं, तो बहुत बढ़िया लगती हैं ये खाने में। एक बार अगर आपके यहाँ मिलती हैं तो इस फैनियों से ये सेवैयाँ बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए ये देखिए, ये होती हैं फैनियाँ, जो सेवैयों से बारीक वाली जो होती है उसको बोला जाता है फैनियाँ। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया, इसके अंदर डाल दिया है मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी। देसी घी में इसका फ्लेवर जो है बहुत ही टेस्टी आता है, तो कोशिश करिएगा कि इसको देसी घी में ही बनाएं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, बादाम, किशमिश यूज़ किया है, और इसको हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं रोस्ट हो गए हैं, और अब हम इसे निकाल लेंगे। और बचे हुए घी में हम जो हमारी फैनियाँ हैं इसको रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए करेंगे, ताकि ये हमारी जो फैनियाँ हैं अच्छे से घी को एब्जॉर्ब कर लें और इसका हल्का सा कच्चापन जो है वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से चलाते हुए हम इसे 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, अभी अच्छे से ही रोस्ट हो चुकी है। तो बस 2 मिनट के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। अच्छे से इसने देखिए घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये जो फैनियाँ हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और एक बार ज़रूर इसको बना के देखिएगा। ये देखिए इसको निकाल लेंगे अब, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 लीटर दूध। फुल फैट क्रीम दूध मैंने यहाँ पे यूज किया है, और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा, अपनी जो रोस्ट की हुई फैनियाँ हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए दूध में अच्छा सा एक बॉयल आ गया है। अब जो हमारी फैनियाँ थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो फैनियाँ हैं दूध को एब्जॉर्ब ना कर लें और थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाएं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 कटोरी चीनी डाली है 1 कटोरी फैनियों के अंदर, क्योंकि हमने दूध भी डाला है, तो आप चीनी अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई हैं, अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे उनको भी हम ऐड कर देंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए और चला लेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारी फैनियाँ बन के रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ी हो जाएंगी। तो रेडी है हमारी फैनियाँ। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो बस हम इसे अब सर्व करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया और क्रीमी ये बनके तैयार हुई है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेडी है हमारी फैनियाँ। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।